अनुपमा में एक बार फिर अनुपमा के देवी अवतार की वजह से अनुपमा की जिंदगी पर संकट आ गया है। पता नहीं अनुपमा को क्यों नहीं समझ में आता कि वो इंसान है, भगवान नहीं। हमेशा दूसरों का भला करने के चक्कर में अनुपमा अपना काम बिगाड़ लेती है। 5 साल पहले भी शाह परिवार और कपाड़िया परिवार सबका भला करने के चक्कर में आखिरकार अनुपमा अकेले रह गई और अब सब उसके बिना खुश हैं, और आज भी यही हुआ। फिलहाल तो वो ये जानती भी नहीं है कि आद्या ही उसकी बेटी है, लेकिन उसकी पार्टी में सब कुछ अच्छा करने के चक्कर में, श्रुति के बार बार रोकने के चक्कर में वो उस नौकरी से भी हाथ धो बैठी है जो अमेरिका में उसका अकेला सहारा है। ट्विटर पर और इंटरनेट पर भी अनुपमा को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी है कि अनुपमा अपने काम से काम भला क्यों नहीं रख सकती, और ऐसा लगता है कि अनुज को भी इस बात का अंदाजा हो गया है, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस, जोशीबेन यानी कि अनुपमा का पुराना सरनेम, उसके बाद इतना अच्छा कुक होना, और तो और अब तो अनुज को मालूम पड़ा है कि जोशीबेन एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी हैं, तो उससे अनुज को कहीं ना कहीं यकीन हो गया है कि वो अनुपमा ही